शुभ प्रभात बच्चों, कल की तासिका में हमने देखा था ऐ की मात्रा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी अगली जो मात्रा होती है ऐ के बाद क्या आता है, ओ। तो ओ की मात्रा कैसे कहा दी जाती है, व्यंजन के ऊपर कहा दी जाती है, ये आज हम क्या करेंगे देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं ओ की मात्रा व्यंजन के कहाँ पर दी जाती है, ऊपर दी जाती है, नीचे दी जाती है, या उसके सामने दी जाती है, ये आज हम क्या करेंगे देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पर क से लेकर ज्ञ तक व्यंजन आपको मात्रा के साथ जोड़कर दिखाती हूँ। ध्यान से देखिए, ये हो गया क, क को ओ की मात्रा को। ओके, तो आपको इतने सारे मात्रा आपने लिखे हैं, तो आपको ध्यान में आया होगा कि ओ की मात्रा आपको कैसे देनी है। तो अभी मैंने ये जो लिखा है और आज का जो हमारा जो मैंने आपको अध्ययन के लिए जो मात्राएं दी थी, उसमें से आपको ध्यान में आया होगा कि कैसे मात्राएं लिखनी है। तो इसी प्रकार ही हमको क्या करना है, अगली जो मात्रा है वो लिखनी है। तो उसके बाद क के बाद आता है ख, ओ की मात्रा खो, उसके बाद ग प्लस ओ की मात्रा गो, घ ओ की मात्रा घो। सो ओ की मात्रा उसे जोड़ेंगे को, हमने कौन सी मात्रा जुड़ी है, ओ की मात्रा। कौन सी मात्रा जुड़ी है बच्चों, ओ की मात्रा, और उसे जोड़कर इस प्रकार लिखते हैं। उसके बाद आता है ज, उसे ओ की मात्रा जो, जो ओ की मात्रा जो। बात का व्यंजन उसे जोड़ेंगे ओ की मात्रा। अभी तक हमने बहुत सारी मात्राएं देखी है, तो इससे आपको ध्यान में आया होगा बच्चों कैसे आपको मात्राएं लिखनी है। तो इस प्रकार आपको ये मात्राएं लिखनी है। उसके बाद आता है ड, अगला व्यंजन ओ की मात्रा डो। क्या होगा इसका उच्चारण, डो। उसके बाद आता है अगला व्यंजन जो है ढ, उसे हम जोड़ेंगे ओ की मात्रा, और ये लिखेंगे कैसे, इस प्रकार। उसके बाद आता है ये बड़ा वाला न, ओ की मात्रा ओके। इस ऐसे ही आपको क्या करना है, जो अगली मात्रा है आज हम क्या करेंगे देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगली मात्रा और अगले व्यंजन, उसको मात्रा के साथ जोड़कर यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं। ओके, तो न के बाद आता है तो को हम देंगे ओ की मात्रा, तो क्या आएगा ये, तो थ को ओ की मात्रा थो, द ओ की मात्रा दो, ध ओ की मात्रा धो, न ओ की मात्रा नो। ओके, इस प्रकार आपको क्या करनी है बच्चों, अगली वाली जो मात्रा है वो भी हम क्या करेंगे देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। उसके बाद न के बाद आता है प प्लस ओ की मात्रा ओ, ह प्लस ओ की मात्रा ओ,
भ प्लस ओ की मात्रा भो। ओके, तो भ के बाद क्या आता है पता है आपको? नहीं पता? ठीक, म को ओ की मात्रा मो। उसके बाद आता है य, ओ की मात्रा यो। ओके, इसके साथ ही हम आगे की मात्रा देखेंगे। य के बाद आता है र, र को जोड़ेंगे ओ की मात्रा, ये होगा रो। ल, ल को जोड़ेंगे ओ की मात्रा और ये बनेगा लो। वो को जोड़ेंगे ओ की मात्रा और ये होगा वो। उसके बाद आएगा श, श को जोड़ेंगे ओ की मात्रा, ये होगा शो। बाद में दूसरा ये षटकोण वाला श आएगा, उसे भी हम क्या करेंगे मात्रा के साथ जोड़कर ऐसे इस प्रकार लिखेंगे। ओके, तो इस प्रकार हमने मात्राएं देखी है। जो हमारी अगली मात्रा है वो हम क्या करेंगे अगले यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, ओके। तो श के बाद क्या आता है पता है आपको? वो आता है स। स ओ की मात्रा सो। ओके, तो ओ की मात्रा ह को ओ की मात्रा हो। ओके, उसके बाद आता है त्र, त्र को ओ की मात्रा त्रो। उसके बाद आता है क्ष, उसे जोड़ेंगे ओ की मात्रा और ये होगा क्षो। और अंतिम शब्द हमारा व्यंजन में कौन सा होता है अंतिम व्यंजन? वो होता है ज्ञ, ज्ञ को ओ की मात्रा ज्ञो। ओके, तो इस प्रकार बच्चों हमने ये मात्राएं देखी है। तो आपको क्या एक बार हम क्या करेंगे ये मात्रा जरा नजदीक से पढ़ेंगे एक बार। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। ओके, चलिए क को ओ की मात्रा को, ख को ओ की मात्रा खो, ग को ओ की मात्रा गो, घ को ओ की मात्रा घो, च को ओ की मात्रा चो, छ को ओ की मात्रा छो, ज को ओ की मात्रा झो, झ को ओ की मात्रा झो, ट को ओ की मात्रा टो, ठ को ओ की मात्रा ठो, ड को ओ की मात्रा डो, ढ को ओ की मात्रा ढो, न को ओ की मात्रा नो। इसके साथ ही हम आगे वाले शब्द भी देखेंगे, आगे वाले व्यंजन भी देखेंगे। चलिए देखते हैं। ओके, तो न के बाद क्या आता है? तो त को ओ की मात्रा तो, थ को ओ की मात्रा थो, द को ओ की मात्रा दो, ध को ओ की मात्रा धो, न को ओ की मात्रा नो, प को ओ की मात्रा पो, फ को ओ की मात्रा फो, ब को ओ की मात्रा बो, भ को ओ की मात्रा भो, म को यो ओ की मात्रा मो, थ को ओ की मात्रा थो, सॉरी य को ओ की मात्रा यो, र को ओ की मात्रा रो, ल को ओ की मात्रा लो, व को ओ की मात्रा वो, श को ओ की मात्रा शो, श को ओ की मात्रा शो। इसके साथ ही हम आगे वाले भी व्यंजन देखेंगे जो है स को ओ की मात्रा सो, ह को ओ की मात्रा हो, त्र को ओ की मात्रा त्रो, क्ष को ओ की मात्रा क्षो और ज्ञ को ओ की मात्रा ज्ञो। तो इस प्रकार बच्चों हमने क्या देखी है ये जो मात्रा है वो देखेंगे। तो चलिए पहले से हम क्या करेंगे एक बार फिर से आप क्या करेंगे इन्हें इन मात्राओं को अपने आप ही पढ़ेंगे। मैं नहीं पढ़ूंगी, आप क्या करेंगे देखेंगे और ये मात्राएं पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पढ़िए।
ध्यान से पढ़िए बच्चों। ये मात्राएं पढ़ने के लिए मैं आपको 5 मिनट दूंगी, ठीक से और ध्यान से पढ़िए। ओके उसके बाद हम ये वाली मात्रा भी देखेंगे, ठीक है। चलिए ये वाली व्यंजनों और उसके साथ जो जोड़ी हुई मात्रा है वो भी देखेंगे। चलिए पढ़िए। त से लेकर ये जो हमारा श है वहाँ तक ये मात्राएं पढ़िए, ध्यान से पढ़िए बच्चों। मैंने आपको बताया अभी कैसे पढ़ना है, वैसे ही आपको पढ़ना है अभी। ओके ये पढ़ा, अब क्या करेंगे, जो रह गई जो व्यंजन है वो भी हम देखेंगे और वो भी ध्यान से पढ़िए। आपको ये पता है इसका जो उच्चारण है, इसका ये पता है आपको, आप ध्यान से पढ़िए इसे। ओके पढ़ा आपने तो एक बार ठीक से सभी शब्द क्या करेंगे आप लोग देखेंगे, ठीक से देखिए। सभी जो व्यंजन है वो पढ़ने की कोशिश कीजिए। ओके तो आपने ये शब्द पढ़े बच्चों, तो इसे आप अगर ये शब्द जब जब हमारी ये जो मात्रा हो गई अभी तक कब कोई कौन कौन सी मात्रा हो गई, पहले हमने देखी थी आ की मात्रा, छोटे ई की मात्रा, बड़े ई की मात्रा, उसके बाद छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, उसके बाद हमने देखी थी ए की मात्रा, आई की मात्रा और आज हम देख रहे हैं ओ की मात्रा। तो यहाँ तक ये जो मात्राएँ हैं ये अभी हमने पढ़ी है ना, तो यही मात्राएँ शब्द के रूप में हमें अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है ना उसमें जो लेसन है, तो ये ही मात्रा यहाँ पर जो हमारे बुक में जो लेसन्स है उसमें जो इस्तेमाल की गई है। तो आपको क्या करना है, अगर आप लोग ये मात्राएँ ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से उन्हें समझोगे, उसका उच्चारण ध्यान से याद रखोगे, तो आपको जब आप बुक का जो सिलेबस है हम शुरू करेंगे तो ये पढ़ने में जो बुक के जो लेसन है जो पाठ है वो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप अगर ये मात्राएँ ध्यान से पढ़ोगे बच्चों तो ही आपको क्या करेगा वो जो बुक में से जो लेसन है वो पढ़ने आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये मात्राओं पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके तो आप क्या करेंगे, अभी तक जो मात्राएँ मैंने आपको दी है उसका वीडियो फिर से एक बार एक एक बार ध्यान से देखो, ये मात्रा है इसका उच्चारण क्या है उसका स्टडी फिर से एक बार कीजिए, ठीक है। तो हम इस एग्ज़ाम को क्या करेंगे, ये जो मात्राओं का जो उच्चारण है और उससे बने जो शब्द है वही हम हमारी जो अभी एग्ज़ाम आने वाली है उसे लेंगे, ठीक है। ओके तो ये आपने पढ़ा और इसके साथ ही जो हमारी जो मात्राएं हमने पहले तासिका में, दूसरे तासिका में और जो तासिका हमारी हो गई है उसमें देखे थे उसका हम क्या करेंगे अध्ययन, आप लोग क्या करेंगे अध्ययन करेंगे, उसका स्टडी करेंगे और क्या करेंगे उसका उसे कैसे देते हैं, कहाँ दी जाती है, उसका उच्चारण क्या है, ये सब याद रखेंगे। तो याद रखेंगे तो एग्ज़ाम में आपको ये लिखते वक्त या इससे संबंधित कोई भी शब्द लिखते वक्त आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए धन्यवाद।